नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको सुना रही श्रीमद् भागवत गीता, तो जरूर सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, शिव पार्वती माता पिता की जय हो। आज का अध्याय है दसवां, तो जरूर सुने। कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जो निरंतर प्रेम से मेरा भजन करते हैं, कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि जो निरंतर प्रेम से मेरा भजन करते हैं, मैं उन्हें बुद्धि योग दान करता हूँ। कैसा बुद्धि योग? ऐसा जिसे पाकर वे मुझ में आकर मिलते हैं। बोलो श्री हरि श्री हरि। हे अर्जुन, उन पर मैं एक और भी कृपा करता हूँ, उनके मन में अपनी महिमा का ज्ञान रूप दीप जलाकर प्रकाश करता हूँ। प्रकाश होने से उनकी जीव बुद्धि के अंधकार का नाश हो जाता है। बोलो श्री हरि श्री हरि। जय श्री कृष्ण भगवान। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, श्री कृष्ण भगवान जी, आप परब्रह्मा हो, अर्थात सबसे परे हो। प्रभु जी, आप परम धाम हो। परम धाम क्या है? धाम नाम घर का अर्थात आपका घर वैकुंठ धाम सबसे परे है, और धाम नाम तेज का भी है। आप पवित्र हो क्योंकि आपके चरणों से गंगा प्रकट होती है। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्ण भगवान। जो सबको पवित्र करती है, आप ऐसे परम पवित्र हैं, सर्वव्यापी हैं, पुरातन हैं, आप पूर्वजों से भी पूर्व हो, आप पूर्वजों से भी पूर्व हो, दिव्य हो। किसी ने आपको उत्पन्न नहीं किया, आपने ही सबको उत्पन्न किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। प्रभु जी सभी सृष्टि सभी ऋषि मुनि आपकी इस महिमा का बखान करते हैं। प्रभु जी, आप अपनी सुख कीर्ति को सब प्रकार से जानते हैं। आप मुझे अपना सभी प्रताप कह सुनाए, बाकी कुछ न रखें। अपनी आत्मा की दिव्य विभूति कह सुनाएं, जिस विभूति से विस्तार पूर्वक व्यापक होकर विरज रहे हैं। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्ण राधे राधे। हे प्रभु जी, किस किस भाव से आपका चिंतन करें? अर्जुन पूछता है कृष्ण भगवान जी से कि हे प्रभु जी, किस किस भाव से आपका चिंतन करें? यह जो सारे ब्रह्मांड हैं, यह जो सारा ब्रह्मांड है, इनमें अस्थावर जंगम भूत प्राणी विचरते हैं, खेलते हैं। आपकी इस सारी लीला को देखकर मैं आपका सुमिरन करता हूँ। प्रभु जी, आपके कमल मुख से आपकी अमृत रूप महिमा सुनकर मुझे शांति मिलती है, अतः मुझे अपनी महिमा दिखाए। हे केशव जी, महान भाव से जो आपकी महिमा गाते हैं, उसका श्रवण मुझे भी कराएं। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्ण भगवान। हे भगवान, जिसकी जितनी बुद्धि है, वह उतना ही कहता है, मगर आपकी महिमा मर्यादा और प्रभुता तो निराली है। इसे तो ऋषि मुनि और देवता भी पूरी तरह समझने में असमर्थ हैं। बोलो श्री हरि। हे पुरुषोत्तम जी, अपने आप को और अपनी मर्यादा को आप स्वयं ही जानते हैं, अतः आप कैसे हैं? आप सर्वभूतों के उत्पत्ति करता हो, सबके ठाकुर हो, सबके देव हो, सारे संसार के प्रभु हो। हे प्रभु जी, आपकी महिमा सुनकर तृप्ति नहीं होती, कृपा कर अपनी महिमा का श्रवण कराओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रभुता कितनी है। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्ण भगवान जी। शिव पार्वती माता पिता की जय हो। अर्जुन की विनय प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए दिव्य विभूति कहता हूँ, परंतु इसका कोई अंत नहीं है। अब दिव्य से दिव्य विभूति कहता हूँ, सुन। जैसे किसी चक्रवर्ती राजा का साम्राज्य होता है, उस नगर अथवा राज्य के मनुष्य की कोई गिनती नहीं है। उस पूरे साम्राज्य में से 10-20 घर परिवार सहित चुन लिए जाते हैं। इसी प्रकार मैं कहता हूँ, हे अर्जुन, सारे शरीर के विस्तार का कुछ अंत नहीं, अतः थोड़े में ही सुन। हे अर्जुन, सारे संसार का आत्मा तू मुझको ही जान। सब भूत प्राणियों के हृदय में मैं ही रहता हूँ, सबका आदि मध्य और अंत मुझको ही जान। यह प्रभुता थोड़े में कही है।
अब दिव्य और प्रधान प्रताप सुन। 12 सूर्य जो वर्ष के प्रत्येक माह में प्रकाश देते हैं, उनमें पौष माह का विष्णु नामक सूर्य मैं ही हूँ। जितना भी प्रकाश करने वाली वस्तुएं हैं उन सब में सूर्य मैं ही हूँ। 49 पवनों के मारीचि नामक पवन मैं ही हूँ। 28 नक्षत्रों में चंद्रमा नामक नक्षत्र मैं ही हूँ। इंद्रियों में 11 इंद्रिय अर्थात मन मैं ही हूँ। चारों वेदों में सामवेद मैं ही हूँ। 33 करोड़ देवताओं में इंद्र मैं ही हूँ। और समस्त भूत प्राणियों में जो भी चेतनता है वह मेरी है। 11 रुद्रों में शंकर नामक रुद्र मैं ही हूँ। सभी पर्वतों में 4 लाख कोस ऊंचा सुमेरु पर्वत मैं ही हूँ। बोलो श्री हरि। सभी सेना के नायकों में शिव जी का पुत्र स्वामी कार्तिकेय मैं ही हूँ। सरोवरों में सागर मैं ही हूँ। सप्त ऋषियों में भृंग ऋषि मैं ही हूँ। अंगिरा भी मैं हूँ। और बोलने वाले जितने भी वचन हैं उनमें एक शब्द ओंकार मैं हूँ। और मुझे प्रसन्न करने वाले जो भी यज्ञ है उनमें हर सांस में मुझे भजना यह यज्ञ मैं ही हूँ। जितने भी अचल हैं उनमें हिमालय मैं हूँ। वृक्षों में मैं पीपल हूँ। देव ऋषियों में नारद हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ उच्च सरवा नामक जो घोड़ा निकला है वह मैं हूँ। और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी मैं हूँ। नागों में अनंत जो शेष नाग हैं वह मैं हूँ। बोलो श्री हरि। नदियों में मैं गंगा हूँ। 7 सागरों में क्षीर सागर मैं हूँ। सब जलों में जल का जो राजा वरुण है वह मैं हूँ। मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शस्त्रों में मैं व्रज मैं हूँ। गऊ में मैं कामधेनु हूँ। और प्रजा को उपजाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन सभी में मैं हूँ। सर्पों में वासुकी नाग मैं हूँ। दंड देने वाले में यम मैं हूँ। मृगों में सिंह मैं हूँ। पितरों में अर्यामा मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ। बोलो श्री हरि। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि बोल। इससे आगे मैं कल सुनाऊँगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। शिव पार्वती माता पिता की जय हो। हरि बोल।